फ्रेंड्स, यू वेलकम्स ऑन द प्लेटफॉर्म टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स, जिसमें देखेंगे वेल्डेड कनेक्शन। हम इस टॉपिक में देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। साथ ही साथ देखेंगे टाइप ऑफ वेल्ड्स, जिसमें पढ़ेंगे टाइप वन बट वेल्ड। तो हमारे नए टॉपिक का नाम है वेल्डेड कनेक्शन। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जनरली वेल्ड के बारे में देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वेल्ड के बारे में देखने वाले हैं। सो इस वेल्डेड कनेक्शन के नाम कनेक्शन टॉपिक में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग, मीन्स वेल्डिंग क्या होता है। फिर देखेंगे हम वेल्डिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओके गाइस, फिर देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वेल्ड्स, मीन्स हमारा जो वेल्ड होता है वो कितने टाइप्स का होता है। और अगर हम बात करें टाइप ऑफ वेल्ड्स की, सो जनरली हमारा जो वेल्ड होता है वो किस किस टाइप का होता है। फर्स्ट इज बट वेल्ड, सेकंड इज फिलेट वेल्ड, एंड थर्ड इज स्लॉट और प्लग, या फिर आप इसको प्लग और स्लॉट वेल्ड के नाम से भी जानते हो। ओके गाइस, ये हमारे वेल्ड के टाइप्स हैं। क्लियर गाइस? सो हम देखेंगे वेल्डेड कनेक्शन टॉपिक, वेल्डेड कनेक्शन। अगर हम बात करें यहां पे वेल्डेड कनेक्शन की, सो यहां पे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एक ऐसा कनेक्शन है जिसको हमने वेल्ड की मदद से कनेक्ट किया हो, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं। हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास दो मेंबर्स हैं जिनको आपने वेल्डिंग की मदद से कनेक्ट कर रखा है। ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेल्डेड कनेक्शन। क्लियर गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। ओके गाइस, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टर्म देखेंगे, वेल्डिंग means what is the meaning of welding। so दोस्तों, अगर हम welding की बात करें, so welding क्या है, एक तरीके का process है। so हम कह सकते हैं welding is a process, जिसमें क्या होता है कि हम different metals के pieces को, या फिर different metals के members को आपस में किसके through, fusion action के through connect करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर गाइस, समझ में आया बात? ओके, सो अगर हम बात करें कि वेल्डिंग को, तो सिंपली हम देख लेते हैं कि वेल्डिंग हमारा दिखता कैसा है। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से दो मेंबर्स हैं, आपके पास दो मेंबर्स हैं जिनको आपको क्या करना है, वेल्डिंग के थ्रू कनेक्ट करना है। सो दोस्तों, क्या करते हैं यहाँ पे हम, जनरली वेल्डिंग का मतलब है, मैंने एक वर्ड वेल्डिंग के डेफिनेशन में बोला फ्यूज़न। सो दोस्तों, फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न का सिंपल मीनिंग होता है टेम्परेचर राइज करना। क्या मतलब होता है, टेम्परेचर राइज करके इन दोनों ही मटेरियल्स को फ्यूज़ करते हैं। ओके गाइस, फ्यूज़न क्या होता है आगे हम समझते हैं। सो हम क्या करते हैं वेल्डिंग के थ्रू, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जनरली टेम्परेचर राइज करते हैं, इतना टेम्परेचर राइज करते हैं कि दोनों मेटल्स, या फिर जो दोनों मेंबर्स हैं वो क्या हो जाए दोस्तों, मोल्टन फॉर्म में आ जाए। दोनों मेंबर्स का मेटल जो है क्या हो जाए, मोल्टन फॉर्म में आ जाए। सो मान लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फ्यूज़न के बाद, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, जनरली यहाँ पे टेम्परेचर कितने से कितनी डिग्री होता है दोस्तों, 3500 डिग्री सेल्सियस से 3600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ की मेटल क्या हो गई, मोल्टन फॉर्म में आ गई। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक मेटल का पूल बन गया। क्या बन गया, एक मेटल का यहाँ पे पूल बन गया, जिसको हम क्या करते हैं, कूल होने देते हैं। इस मेटल के पूल को हम क्या होने देते हैं, कूल होने देते हैं। ओके गाइस, सो ये जो
कूल होके मेटल दिखाई दे रही है, ओके ब्लू पोर्शन, इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। सो, जब आप हीट करते हो उस समय जब मेटल जो होती है आपकी वो मोल्टन फॉर्म में आती है, उसके बाद जब मेटल आपकी मोल्टन फॉर्म में आती है सो जो आपके मेंबर्स की इम्प्यूरिटीज़ होती है, ओके गाइस, वो क्या होने लगती हैं, वो कूलिंग के टाइम पे सरफेस पे आके जमा हो जाती हैं। कहाँ पे? सरफेस पे आके जमा हो जाती हैं, जिसको आप क्या बोल देते हो, स्लैग। क्या बोल देते हो दोस्तों? स्लैग बोल देते हो, ओके। इस स्लैग को जब आपका मेंबर, ओके, जब आपका वेल्ड क्या होता है, कूल हो जाता है, उसके बाद इस स्लैग को आप हैमरिंग एक्शन से तोड़ के निकाल देते हो, ओके गाइस। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर स्लैग को आप निकालते हो सो आपका जो मेंबर है, ओके, जो आपका कनेक्शन है वहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। अगर आपका स्लैग यहाँ पे लगा रहेगा यानी कि चिपका रहेगा मेटल के साथ, सो यहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हो सकता है कि कोरोजन होने भी लगे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लैग को हैमरिंग एक्शन से निकाल देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई कोरोजन ना हो। क्लियर गाइस, बात समझ में आई क्या होता है वेल्ड? सो ये तो आपका क्या है दोस्तों, साइड व्यू है, दिस इज अ साइड व्यू। अगर हम टॉप से बात करें सो ये प्लेट्स हमारी टॉप से कैसे दिखाई देंगी, इसको बोल देते हैं ए और ए। सो दोस्तों ये क्या है, साइड व्यू है। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं जिनको सिंपली हमने ओवरलैप किया हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, इनको जनरली हमने वेल्ड किया हुआ है, ओके गाइस। सो अगर हम टॉप से देखें, इन प्लेट्स का व्यू टॉप से देखें, तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे ये प्लेट हो गई नीचे वाली, ओके गाइस, ये आपकी नीचे वाली प्लेट हो गई, ये आपकी ऊपर की प्लेट हो गई, कुछ इस तरीके से आपकी प्लेट्स हैं। कुछ इस तरीके से आपको प्लेट्स दिखाई देंगे टॉप से। ओके गाइस, अगर लोड की बात करें सो हियर लोड इज पी, सो हियर लोड इज ऑल्सो पी, हियर लोड इज पी, देन हियर लोड इज ऑल्सो पी। अगर हम बात करें साइड व्यू की सो दिस इज द थिकनेस ऑफ प्लेट या फिर मेंबर। मान लेते हैं दोनों मेंबर्स का थिकनेस क्या है, सेम है। अगर हम बात करें दिस वन इज व्हाट, दिस इज द विड्थ, ओके, विड्थ ऑफ बॉटम मेंबर एंड दिस इज द विड्थ ऑफ टॉप मेंबर। आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ओके गाइस, बात समझ में आई। वेल्डिंग हमने किस तरीके से किया है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, मींस अगर हम बात करें बोर्ड के, बोर्ड से बाहर की डायरेक्शन में, सो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपका टॉप का मेंबर है इसमें वेल्डिंग आपने कुछ इस तरीके से किया है, ओके, इस तरीके से किया हुआ है। ये तो विड्थ की बात हो गई, दिस इज अ विड्थ, दिस इज ऑल्सो विड्थ। और यहाँ पे अगर हम बात करें वेल्डिंग की सो जितनी लेंथ में वेल्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। सो आप बोल सकते हो दिस मच लेंथ इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल बी के इक्वल। क्लियर गाइस, समझ में आया वेल्डिंग क्या होता है, ओके। सो आगे चलते हैं हम दोस्तों, ओके गाइस,
आगे हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग. सो देख लेते हैं, पहले हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं, फिर आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं. सो हेडिंग लिखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग. ओके, ऑफ वेल्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एडवांटेजेस. एडवांटेजेस यहां. ओके गाइस, सो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है welded structures are comparatively lighter than corresponding riveted structures. Okay guys, this is your first advantage of welded connection. Second advantage is a welded joint has a great strength often a welded joint has the strength of the parent metal itself. Okay, third advantage is often welded joints are economical to riveted riveted joints. Okay, next advantage is a welded structure has a better finish and appearance than the corresponding riveted
करस्पॉन्डिंग रिवेटेड स्ट्रक्चर, रिवेटेड स्ट्रक्चर. ओके गाइस, नेक्स्ट एडवांटेज, फिफ्थ एडवांटेज इज द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग वेल्डिंग does not involve involve great great noise comparatively या फिर compared to the noise produced in riveting process. ओके दोस्तों, सो यहाँ पे आपको मैंने 5 एडवांटेजेस दे रखे हैं. ओके गाइस, अब इनको मैं क्या करता हूँ, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो दोस्तों, अपना पहला एडवांटेज क्या है, बोला गया है वेल्डेड स्ट्रक्चर्स आर कंपैरेटिवली लाइटर देन करस्पॉन्डिंग रिवेटेड स्ट्रक्चर. सो लाइट का मतलब वेट की बात कर रहा है. सो जो आपके वेल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन्स ऐसे मेंबर जिनमें आप वेल्डिंग करते हो, उन मेंबर्स का जो वेट होता है वो आपके रिवेटेड स्ट्रक्चर्स के कंपेरिजन में कम होता है या फिर लाइटर होते हैं. ओके गाइस, लाइटर का मतलब क्या है कि जो आपके वेल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं उनका जो वेट होता है रिवेटेड स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में कम होता है. इसीलिए क्या कहते हैं, वेल्डेड स्ट्रक्चर्स जो हमारे होते हैं वो लाइटर होते हैं इन कंपैरिजन टू रिवेटेड स्ट्रक्चर्स. ओके गाइस, ओके, सेकेंड एडवांटेज इज व्हाट, बोला गया है अ वेल्डेड ज्वाइंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ. ओके, सो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो वेल्डेड ज्वाइंट होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है. ओके, सो ग्रेट स्ट्रेंथ आती कहाँ से दोस्तों, सो यहाँ पे आपकी ग्रेट स्ट्रेंथ कहाँ से आती है. सो दोस्तों, अगर मैं वेल्डिंग की बात करूँ, सो वेल्डिंग की बात करूँ, आपका वेल्डिंग कुछ इस तरीके से दिखता है. यहाँ पे हमने मेंबर्स में वेल्डिंग कर रखा है. सो अगर मैं बात करूँ वेल्डिंग की, सो वेल्डिंग का जो एफिशिएंसी होता है, ओके, आप बोल सकते हो एफिशिएंसी ऑफ वेल्ड कितना होता है दोस्तों, कुछ आइडिया? ओके, मैं बता देता हूँ, 100% होता है. क्यों 100% होता है भाई वेल्ड का एफिशिएंसी? क्योंकि वेल्ड में किसी भी तरीके का आपको होल ड्रिल नहीं करना पड़ता. ओके गाइस, वेल्डिंग करते समय क्या कोई होल ड्रिल करते हैं? नहीं यार, बिल्कुल नहीं करते हैं. सो मेंबर्स में कोई होल नहीं होता है. ओके गाइस, मतलब जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया यूटिलाइज हो रहा है. सो एफिशिएंसी क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी वेल्ड की 100% हो जाती है. इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा वेल्डेड ज्वाइंट होता है उस वो एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देता है, मींस एक ग्रेट स्ट्रेंथ देता है. क्लियर गाइस, आगे बोला गया है ऑफन अ वेल्डेड ज्वाइंट हैज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट मटेरियल इट्सेल्फ. कहने का क्या मतलब है कि लेट अस सपोज हमने यहाँ पे दो मेंबर्स को वेल्ड के थ्रू कनेक्ट कर रखा है. दिस इज वेल्डिंग, है ना, वेल्डिंग के थ्रू हमने क्या कर रखा है, दो मेंबर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है. सो जब हम फ्यूज कर रहे थे, ओके गाइस, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के टाइम पे क्या हो रहा था, दोनों ही मेंबर्स में जो मेटल्स हैं, ओके, उनका कुछ पोर्शन क्या कर रहे थे, हम जनरली हीट कर रहे थे या फिर फ्यूज कर रहे थे. वो किस फॉर्म में आ जाती थी, मोल्टन फॉर्म में. लेकिन जब मोल्टन फॉर्म में आती है तो मटेरियल कहाँ का होता है, जनरली दोनों मेंबर्स का होता है. सो कूलिंग के बाद जो वेल्ड है, दिस मच वेल्ड, इस वेल्ड की बात करें, सो इसका स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा, इस वेल्ड का स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा भाई, ऑब्वियस कह सकते हो जो आपके मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के लगभग इक्वल होगा.
क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वेल्ड का जो मटेरियल है वो मेंबर्स से आया ना भाई। कहाँ से आया? मेंबर्स से आया। सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका वेल्ड होता है उसका स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? आपके जो मेंबर्स हैं या फिर आपकी जो मेटल्स की प्लेट हैं उनकी स्ट्रेंथ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। ओके गाइस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वेल्डेड ज्वाइंट होता है उसका स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? पेरेंट मेटल के बराबर होता है। ओके गाइस, समझ में आई बात? ओके, सो हम चलते हैं थर्ड एडवांटेज की तरफ। सो हमारा थर्ड एडवांटेज क्या कहता है दोस्तों? थर्ड एडवांटेज में बोला गया है, ऑफन वेल्डेड ज्वाइंट्स आर इकोनॉमिकल ओके टू रिविटेड ज्वाइंट्स। क्या बोला गया? इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है? जब भी आपको बोला जाए इकोनॉमी, सो इकोनॉमी का मतलब पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका जो वेल्डेड ज्वाइंट होता है वो क्या होता है? सस्ता होता है इन कंपेरिजन टू रिविटेड ज्वाइंट। ओके गाइस, आपका जो रिविटेड ज्वाइंट होता है वो महंगा होता है और आपका जो वेल्डेड होता है वो सस्ता होता है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपके जो वेल्डेड ज्वाइंट होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं टू इन कंपेरिजन टू रिविटेड ज्वाइंट। क्लियर गाइस? ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ। नेक्स्ट एडवांटेज में बोला गया है, अ वेल्डेड स्ट्रक्चर हैज़ अ बेटर फिनिश एंड अपीयरेंस देन द करस्पॉन्डिंग रिविटेड स्ट्रक्चर। सो ये तो बात आपने अगर वेल्ड और रिविट देखा है आपने साइट में, ओके, साइट में जाके आपने कभी वेल्डिंग को देखा हुआ है या और रिविटिंग को देखा हुआ है, तो आप इस वाले एडवांटेज को अपने आप से ही क्लियर हो जाएगा कि सही लिखा है या गलत लिखा है। सो यहाँ पे इस एडवांटेज का क्या कहने का मतलब है कि जो वेल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है, उनका फिनिश जो होता है वो भी बेटर होता है, साथ ही साथ देखने में भी आपके वेल्डेड कनेक्शन ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन कंपेरिजन टू रिविटेड स्ट्रक्चर्स। क्लियर गाइस, समझ में आई बात? ओके, आगे बोलते हैं, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें। अवर फिफ्थ एडवांटेज इज, द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग डज नॉट इन्वॉल्व ग्रेट नॉइज कंपेयर टू द नॉइज प्रोड्यूस्ड इन रिविटिंग प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें जो नॉइज होता है वो बहुत ही लेवल तक कम होता है इन कंपेरिजन टू रिविटिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग तो सिंपल हम क्या करते हैं, एक आर्क लेते हैं या फिर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यूज़ करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हीट करते हैं, सिंपल एक रॉड के थ्रू हम क्या करते हैं हीट करते हैं। ओके गाइस, सो वहाँ पे जो नॉइज़ होता है वेल्डिंग में वो बहुत ही कम होता है। मीन्स वेल्डिंग में कहीं हैमरिंग एक्शन करना होता है? बिल्कुल नहीं करना होता है। सो इसीलिए जो आपका वेल्डिंग होता है वहाँ पे नॉइज़ बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू रिविटिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि रिविटिंग प्रोसेस में आपको हैमरिंग करना होता है, पंचिंग करना होता है होल को बनाने के लिए, और आपका जो रिविट है उसको ठीक करने के लिए हमें हैमरिंग एक्शन का करना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें नॉइज कम होता है इन कंपेरिजन टू रिविटिंग प्रोसेस। क्लियर गाइज? सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस फॉर यू। ओके गाइज, सो आपके सेमेस्टर में ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द वेल्डिंग, और आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्ड्स या फिर वेल्डिंग। क्लियर गाइज? सो दीज आर दी एडवांटेजेस। अब हम चलेंगे डिसएडवांटेजेस की तरफ कि हमारा डिसएडवांटेजेस क्या है। सो यहाँ पे देख लेते हैं डिसएडवांटेज, पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट इज द वेल्डिंग रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन। योर सेकेंड डिसएडवांटेज इज टेस्टिंग ऑफ
welded joint is difficult. Third disadvantage is due to uneven heating, and cooling, the welded members The welded members are likely to get warped at the weld surface. Okay guys, so ये आपके disadvantages हैं. So first disadvantage क्या है weld का दोस्तों? First disadvantage क्या है? Welding requires skilled labor and supervision. So welding की अगर बात करें, so आपका जो welding process को करने के लिए आपके पास skilled labor होना चाहिए और उसका supervision भी अच्छा होना चाहिए. Okay guys, so वेल्डिंग में स्किल्ड लेबर और सुपरविजन चाहिए होता है. ओके गाइस, अगला क्या है? अगला डिसएडवांटेज है टेस्टिंग ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स इज डिफिकल्ट. यहाँ पे वेल्डेड जॉइंट्स का जो टेस्टिंग होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. क्यों डिफिकल्ट होता है वो मैं आगे बताऊंगा जब आपको टेस्टिंग एक्सप्लेन करूंगा. सो जनरली यहाँ पे दो तरीके के टेस्ट होते हैं वेल्ड्स में. ओके, वेल्ड को चेक करने के लिए दो तरीके का टेस्ट होता है. एक तो होता है आपका डाई पेनेट्रेशन टेस्ट होता है. ओके, एक तो आपका डाई पेनेट्रेशन टेस्ट होता है और दूसरा टेस्ट आपका होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट या फिर अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी टेस्ट. ओके गाइस, सो यहाँ पे दो तरीके के टेस्ट होते हैं वेल्ड्स में. कौन सा? पहला डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, दूसरा अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी टेस्ट. सो वेल्डेड कनेक्शन का या फिर वेल्डेड जॉइंट्स का टेस्टिंग जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ओके गाइस, अगला डिसएडवांटेज आपका क्या है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग द वेल्डेड मेंबर्स आर लाइकली टू गेट वार्प्ड एट द वेल्ड सरफेस. मतलब क्या है यहाँ पे? ड्यू टू अनइवन मीन्स कभी भी कूलिंग हो रही, कभी भी हीटिंग हो रही है. सो ऐसे इन्वायरमेंट में जो आपका वेल्डेड मेंबर होगा वो कहाँ से बेंड हो जाएगा? जहाँ पे आपने वेल्ड बना रखा होगा या फिर जहाँ पे आपने वेल्डिंग कर रखा होगा वहाँ से क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा. ओके गाइस, सो आपका थर्ड डिसएडवांटेज क्या कहता है कि अनइवन हीटिंग और कूलिंग की वजह से आपका वेल्डेड मेंबर जो होगा कहाँ से बेंड हो जाएगा? जहाँ से आपने वेल्डिंग कर रखी होगी या फिर आपका जहाँ पे मेंबर में वेल्डेड कनेक्शन होगा. क्लियर गाइस? सो आपको समझ में आया? ओके, सो आगे चलते हैं. ओके गाइस, अगला टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग. क्या देखेंगे? हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग. ओके, सो अगर हम वेल्डिंग के टाइप्स की बात करें सो जनरली मेन जो टाइप्स है वो दो टाइप है. ओके गाइस, जो आपके यहाँ कन्वेंशनल में पूछा जाएगा मेनली दो टाइप्स का वेल्डिंग होता है. साथ ही साथ और दो टाइप का वेल्डिंग है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, मीन्स जिसके कोडल प्रोविजंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके गाइस, सो हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ वेल्ड की सो हमारे पास जनरली चार तरीके का वेल्ड होता है. फर्स्ट इज द बट वेल्ड, सेकंड इज द
फिलेट वेल्ड, थर्ड इज द प्लग और स्लॉट वेल्ड, ओके, नेक्स्ट इज द इंटरमिटेंट वेल्ड, ओके गाइस, चार तरीके का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो टाइप का वेल्ड एक्सप्लेन करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स वो आपके कन्वेंशनल, वहाँ से आपके कन्वेंशनल एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ओके गाइस। सो हम पहले दो टाइप एक्सप्लेन करेंगे, फिर बाद में आपको रिमेनिंग दो टाइप के वेल्ड्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ओके गाइस। सो फर्स्ट टाइप इज द बट वेल्ड, ओके, और सेकेंड टाइप इज योर फिलेट वेल्ड, ओके गाइस। अगर हम बात करें बट वेल्ड की, सो बट वेल्ड एक ऐसा वेल्ड होता है जब हम क्या करते हैं सेम प्लेन पे, मीन्स एक ही प्लेन पे या फिर सेम लेवल के, जब हम किसी दो मेंबर्स को सेम प्लेन पे या फिर सेम लेवल पे कनेक्ट करते हैं वेल्ड की मदद से, सो ऐसे वेल्ड को हम क्या बोलते हैं बट वेल्ड, क्या बोलते हैं बट वेल्ड, क्लियर गाइस। आगे बात करें फिलेट वेल्ड की, जब हम क्या करते हैं डिफरेंट प्लेन्स पे, मीन्स अलग अलग प्लेन्स पे या फिर डिफरेंट लेवल पे हम जब वेल्डिंग करते हैं, सो ऐसी वेल्डिंग को हम बोलते हैं क्या फिलेट वेल्ड। अगर हम देखना चाहें कि व्हाट इज़ द मीन्स हमारा बट वेल्ड कैसे दिखता है और या फिर हमारा फिलेट वेल्ड कैसा दिखता है, सो दोस्तों अगर हम बात करें बट वेल्ड की, सो मैंने क्या डिफाइन किया बट वेल्ड को, मैंने बोला जब दो मेंबर्स को, ओके, जब दो मेंबर्स, हमारे दो मेंबर्स सेम लेवल, ओके, या फिर सेम प्लेन पे जिस वेल्ड की मदद से कनेक्ट करते हैं, ऐसे वेल्ड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों बट वेल्ड। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे दो मेंबर्स हैं, ओके गाइस, जिनको हमने क्या कर रखा है बट वेल्ड से कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरीके, दिस इज योर बट वेल्ड, ओके गाइस। सो अगर फोर्स की बात करें, सो मेंबर पे फोर्स पी और इस मेंबर पे फोर्स टी, सो ये क्या है, ये हो जाएगी आपकी प्लेट्स की या फिर मेंबर्स की थिकनेस, जिसको बोल दिया हमने स्मॉल टी। यहाँ पे दूसरे मेंबर्स की, मेंबर की थिकनेस क्या हो जाएगी ऑल्सो स्मॉल टी, मीन्स दोनों मेंबर का थिकनेस यहाँ पे क्या है स्मॉल टी है, और आपने क्या कर रखा है दोनों मेंबर्स को सेम प्लेन पे या फिर सेम लेवल पे, यहाँ पे देख सकते हो आपके जो दोनों मेंबर्स हैं वो सेम लेवल पे हैं और या फिर सेम प्लेन पे, इसीलिए यहाँ पे जो आपने वेल्ड किया है उस वेल्ड को क्या बोलोगे आप बट वेल्ड, क्लियर गाइस, दिस इज योर बट वेल्ड। ये तो आपका क्या हो गया साइड व्यू हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया। अगर हम बात करें टॉप व्यू की, ओके, सो टॉप व्यू ए ए से कैसे दिखेगा हमारा कनेक्शन, सो अगर हम बात करें टॉप व्यू की, सो टॉप व्यू से हमारा जो कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज योर मेंबर, इस पे लोड पी आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है बट वेल्ड से दोनों मेंबर्स को जोड़ रखा है, ओके गाइस। अगर हम बात करें बिड्थ की, सो दिस इज द बिड्थ ऑफ प्लेट कह लो या फिर आप कह सकते हो मेंबर, यहाँ पे भी दिस इज द बिड्थ ऑफ मेंबर, सो यहाँ पे दोनों मेंबर्स का बिड्थ इक्वल है, ओके गाइस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द योर बट वेल्ड। अगर लेंथ की बात करें, सो लेंथ जो वेल्डिंग का लेंथ होता है उसको हम एल इफेक्टिव से दिखाते हैं, किसे शो करते हैं एल इफेक्टिव से, मीन्स जो वेल्डिंग का जितने पोर्शन में हमने या फिर जितनी लेंथ पे हमने वेल्डिंग किए कर रखा है उसको क्या बोलेंगे हम एल इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे आपका एल इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा विड्थ ऑफ प्लेट, ओके गाइस। सो दिस इज योर बट वेल्ड, इस तरीके से आपका बट वेल्ड दिखाई देगा।
और अगर हम यहाँ पे बात करें जो कनेक्शन मिला, ओके, जो बट वेल्ड की हेल्प से कनेक्शन मिला, ऐसे कनेक्शन को आपको क्या क्या आप क्या बोलोगे? ऐसे कनेक्शन को आप बोलोगे बट ज्वाइंट। क्या बोलोगे आप? बट ज्वाइंट। सो आप इसको लिख देते हो, दिस इज योर बट वेल्ड, और आप ऐसे कनेक्शन का क्या बोल देते हो? बट ज्वाइंट। क्लियर गाइज? समझ में आया क्या होता है आपका बट वेल्ड? क्लियर? ओके, सो आगे चलते हैं हम फिलेट वेल्ड की तरफ। हम देखेंगे कि फिलेट वेल्ड क्या होता है। सो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला, जब दो मेंबर्स हमारे डिफरेंट लेवल या फिर अलग अलग प्लेन्स पे होते हैं और उनको हम वेल्ड से अगर कनेक्ट करते हैं, सो ऐसे केस में जो वेल्ड होता है उसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। क्या बोलते हैं? फिलेट वेल्ड। सो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो मेंबर्स हैं, ओके गाइस, यहाँ पे दोनों पे मेंबर्स का प्लेन जो है सेम नहीं है, ओके गाइस। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मैं नहीं कहता हूँ भाई, ऐसा डेफिनेशन कहता है। कौन कहता है? ऐसा डेफिनेशन कहता है, ओके गाइस। अगर बात करें कि फिलेट वेल्ड की, सो यहाँ पे फिलेट वेल्ड में क्या है दोस्तों, कि दो मेंबर्स हैं, ओके, दो मेंबर्स हैं जिनको हमने डिफरेंट प्लेन्स पे कनेक्ट कर रखा है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, सो नीचे वाले बॉटम मेंबर का जो प्लेन है, दिस इज द प्लेन ऑफ बॉटम मेंबर, और जो अपर मेंबर का प्लेन क्या है, बॉटम मेंबर के जस्ट 90 डिग्री पे। सो आप कह सकते हो यहाँ पे दोनों ही मेंबर्स का जो कनेक्ट कर रहे हैं जिन प्लेन्स को, वो दोनों ही प्लेन्स क्या है, क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स सेम नहीं है। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, दोनों मेंबर्स के लिए जो वेल्ड करते हो, ओके, जो वेल्डिंग करते हो दोनों मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए, ऐसी वेल्डिंग को आपको क्या क्या आप क्या बोल देते हो दोस्तों? आप बोल देते हो फिलेट वेल्ड। दिस वेल्ड इज कॉल्ड एज फिलेट वेल्ड। क्या कहलाएगा? फिलेट वेल्ड। अगर बात करें थिकनेस की, सो दिस इज अ थिकनेस ऑफ फर्स्ट मेंबर या फिर बॉटम मेंबर, दिस इज अ थिकनेस ऑफ टॉप मेंबर। यहाँ पे आपके बॉटम मेंबर और टॉप मेंबर की जो थिकनेस है वो हमने सेम ले रखी है। लेट अस सपोज कि ये इस मेंबर से हमें पी लोड को ट्रांसफर करना है, ओके गाइस, दिस इज योर साइड व्यू। अगर हम बात करें टॉप व्यू की, ए ए, सो आप इसको यहाँ पे लिख लो, दिस इज द ए ए, ओके, दिस इज अ टॉप व्यू। सो अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप व्यू की, सो टॉप व्यू यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारी हो गई बॉटम प्लेट, ओके, दिस इज अवर टॉप प्लेट, इस पे पी लोड हमें ट्रांसफर करना है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है। इस वेल्ड को क्या बोलेंगे दोस्तों हम? इस वेल्ड को हम बोलेंगे क्या? फिलेट वेल्ड। कैसा वेल्ड बोलेंगे दोस्तों? फिलेट वेल्ड, जिसको हम बोल देते हैं दिस इज अ ए ए। अगर हम बात करें बिड्स की, सो बॉटम प्लेट का जो बिड्थ है उसको हम कंसीडर करते हैं कैपिटल बी, और टॉप का जो प्लेट है, ओके, टॉप प्लेट है उसके बिड्थ को हम बोल देते हैं स्मॉल बी। और जितने लेंथ पे हमने वेल्ड किया होता है उस लेंथ को क्या बोल देते हैं दोस्तों? एल इफेक्टिव। सो यहाँ पे आपका दिस मच लेंथ इज व्हाट? एल इफेक्टिव। सो यहाँ पे आपका L इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? हियर योर L इफेक्टिव इक्वल्स टू स्मॉल b, ओके गाइस। सो दिस इज योर फिलेट वेल्ड। और ऐसे ज्वाइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम ऐसे ज्वाइंट को बोलते हैं लैप ज्वाइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैप ज्वाइंट, ओके। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम? इसको बोलेंगे बट ज्वाइंट, ओके, क्या बोलेंगे? बट ज्वाइंट।
और ऐसे ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में जनरली हम फिलेट वेल्ड करते हैं और बट ज्वाइंट में हम बट वेल्ड करते हैं। क्लियर गाइस, समझ में आया टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। हम देखेंगे डिजाइन ऑफ बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट मीन्स किस तरीके से हम बट ज्वाइंट को डिजाइन करते हैं वो देखने वाले हैं हम। सो अगर हम बात करें बट ज्वाइंट की, सो दोस्तों आपका बट ज्वाइंट कैसा दिखता है। बट वेल्ड की बात करें, सो बट वेल्ड का डेफिनेशन क्या कहता है, जब दोनों मेंबर्स सेम प्लेन पे हों। सो ऐसे केस में जो आपका वेल्ड होता है उसको हम बट वेल्ड बोलते हैं, और जो आपका कनेक्शन होता है या फिर ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट को हम क्या बोल देते हैं, बट ज्वाइंट बोल देते हैं। ओके गाइस, सो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो मेंबर्स हैं कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, सो इन दोनों मेंबर्स को हमें क्या करना है, बट वेल्ड से कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। हमने क्या किया, बट वेल्ड से कनेक्ट कर दिया। ओके गाइस, सो अगर हम बात करें थिकनेस की, सो यहाँ पे क्या बोल दिया, दोनों ही मेंबर्स का थिकनेस क्या है, सेम है। लेट अस सपोज टी इज अ थिकनेस ऑफ बोथ मेंबर, और हमें क्या करना है यहाँ से एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे पी लोड को ट्रांसफ़र करना है। किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ बट वेल्ड। समझे बट वेल्ड क्या होता है, क्लियर दोस्तों व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बट वेल्ड। सो सेम प्लेन पे जब हम दो मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, ऐसे केस में जो आपका वेल्ड होता है उसको हम बट वेल्ड बोलते हैं, और ऐसे ज्वाइंट को हम बट ज्वाइंट बोलते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो केसेस हैं। ओके गाइस, बट वेल्ड में, बट वेल्ड को डिज़ाइन करते समय आपके पास दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है जब आप वेल्डिंग एक साइड से करते हो, मीन्स सिंगल साइड से अगर वेल्डिंग करते हो, सो फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस क्या है, आप वेल्डिंग जो है दोनों साइड से करते हो। ओके गाइस, सो हम यहाँ पे दोनों केसेस को वन बाय वन देखेंगे। ओके गाइस, सो देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि जस्ट ये हम आपको रिमेम्बर कराने के लिए दिखा रहे थे। केस वन क्या है आपका, केस वन है फॉर सिंगल साइड वेल्डेड कनेक्शन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही साइड से वेल्ड कर रहे हैं। सो लेट अस सपोज कि हमें क्या करना है, बट वेल्ड करना है। सो इस केस में दोनों मेंबर्स सेम प्लेन पे होंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक मेंबर इस तरीके से है, दिस इज अवर मेंबर। ओके, इसका थिकनेस हम मान लेते हैं कितना है, T1 है। जिसका थिकनेस कितना है दोस्तों, T1 है। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, हमारा जो दूसरा मेंबर है, दिस इज अवर सेकंड मेंबर। ओके, दिस इज अवर सेकंड मेंबर जिसका थिकनेस हम मान लेते हैं T2 है। क्या है, T2। हियर T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके गाइस, कहने का क्या मतलब है, जो हमारे दोनों मेंबर्स हैं उनका, दोनों मेंबर्स का जो थिकनेस है वो सेम ना हो के यहाँ पे क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। कैसा है,
डिफरेंट है. ओके गाइस, सो यहाँ पे क्या करना है हमें, बट वेल्ड करना है. और बोला गया है फॉर सिंगल साइड वेल्डेड कनेक्शन, यहाँ पे हमें एक साइड से वेल्ड करना है. सो लेट अस सपोज हमने एक साइड से वेल्ड किया, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा. ओके गाइस, कुछ इस तरीके से हमारा वेल्ड का कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा. जब भी हम अगर बात करें सिंगल साइडेड वेल्डेड कनेक्शन की, सो इस केस में पूरी थिकनेस में या फिर कह सकते हो पूरी डेप्थ में हमारा जो वेल्डिंग होता है वो पूरी तरीके से पेंट्रेट नहीं होता है. मींस हमारा जो वेल्ड होता है वो पूरी थिकनेस में नहीं फैला होता है. मींस कुछ थिकनेस खाली रह जाती है या फिर आपका जो वेल्ड होता है वो फुली पेनेट्रेट नहीं होता है. ओके गाइस, सो दिस इज योर साइड व्यू. लेट अस सपोज हमें यहाँ पे पी लोड ट्रांसफर करना है, दिस इज योर साइड व्यू. अगर हम बात करें टॉप व्यू की, सो यहाँ पे टॉप व्यू हमारा कैसा दिखेगा, ए ए बोल देते हैं. ओके, इस ए ए की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारा ए ए किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज योर सेकेंड प्लेट जिसमें हमें पी लोड ट्रांसफर करना है, जिस पे हमने क्या कर रखा है, बट वेल्ड कर रखा है. क्या कर रखा है, बट वेल्ड कर रखा है. अब यहाँ पे बात करें थिकनेस की, सो दो बिड्थ की, सो दोनों ही प्लेट का जो बिड्थ है वो कितना है, लेट अस सपोज कैपिटल बी. ओके गाइस, हमने क्या बोला, जिस लेंथ पे आपका वेल्डिंग, आप जिस लेंथ पे करते हो उस लेंथ को आप क्या बोल देते हो, एल इफेक्टिव. सो यहाँ पे आपके वेल्ड का इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू बी. कितना हो जाएगा, इक्वल टू बी. यहाँ पे क्या करना है, आपको डिजाइन करना है बट जॉइंट फॉर सिंगल साइड वेल्डेड कनेक्शन. सो दोस्तों यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर हम बात करें डिजाइन स्ट्रेंथ की, सो डिजाइन स्ट्रेंथ एक तरीके का लोड होता है. मींस हम यहाँ पे कितने लोड के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं, सो कॉल्ड एज डिजाइन स्ट्रेंथ. सो डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू व्हाट, क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेसेस, पीएस. पीएस इज व्हाट, परमिसिबल स्ट्रेसेस. सो आप लिख सकते हो कि एक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस पी एस इज वॉट, परमिसिबल स्ट्रेसेस. सो हम यहां पे लिख लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस. ओके, इनटू परमिसिबल स्ट्रेस. सो दिस इज योर डिजाइन स्ट्रेंथ. आपको क्या करना है, डिजाइन करना है बट जॉइंट. अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाए और मेंबर की परमिसिबल स्ट्रेसेस पता चल जाए, सो आप डिजाइन लोड कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों. अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, क्रॉस सेक्शन एरिया ये कौन सा एरिया है, जिस वो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वो एरिया है जिससे क्या हो रहा है, वेल्ड के थ्रू लोड एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे ट्रांसमिट हो रहा है. सो यहाँ पे अगर बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, सो देखते हैं क्रॉस सेक्शन इधर ही लिख लेते हैं. अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दिस इज द बी इंटू टी इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, हियर बी इंटू टी टू. क्योंकि यहाँ पे जब जो आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है वो टी वन थिकनेस से ट्रांसफर हो रहा है, और इस मेंबर में मीन सेकेंड मेंबर में टी टू थिकनेस से ट्रांसफर हो रहा है. सो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू टी वन या फिर टू टी टू, इन दोनों में से किसको हम कंसीडर करें यहाँ पे, टी वन या फिर टी टू. सो यहाँ पे हम
टी मिनिमम कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? टी मिनिमम मींस टी वन और टी टू में जो वैल्यू होगी मिनिमम उसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? टी मिनिमम। क्या बोल देंगे? टी मिनिमम। ओके गाइस, सो अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, सो क्या हो जाएगा? बिड्थ हो जाएगी बी इंटू टी मिनिमम। टी मिनिमम इन दोनों में से टी वन और टी टू में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको बोल देंगे टी मिनिमम। उसमें से हमारे उसमें से भी हमारे आईएस एस पर आईएस कोड हम क्या करते हैं, जो थिकनेस कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं 5/8 टी मिनिमम। कितना कंसीडर करते हैं? 5/8 टी मिनिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सिंगल साइड वेल्ड किया हुआ है, इसलिए जो वेल्ड का पेनिट्रेशन है वो फुली पेनिट्रेट नहीं है, इसलिए फॉर दी सेफ्टी पर्पस, ओके, हमारा कोड क्या कहता है कि जो हमारा यहाँ पे थिकनेस होगा वो कितना लेंगे? 5/8 टी मिनिमम। सो आपको यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल गया, क्या हो गया? बी इंटू 5/8 टी मिनिमम। क्या हो जाएगा? बी इंटू 5/8 टी मिनिमम, ये आपको क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया। अगर हम बात करें परमिसिबल स्ट्रेस की, सो आप पी एस से लिख सकते हो परमिसिबल स्ट्रेस को। सो यहाँ पे अगर बात करें परमिसिबल स्ट्रेस की, सो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होती है? परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब है कितनी स्ट्रेस आप परमिट कर रहे हो। परमिसिबल स्ट्रेस का क्या मतलब है? कितनी स्ट्रेस आप परमिट कर रहे हो। सो परमिसिबल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दिस इज योर परमिसिबल स्ट्रेस इन केस ऑफ वेल्डिंग। ये आपको याद रखना है, आपके वेल्डिंग के केस में परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएंगी? एफ वाई नॉट एफ यू। यहाँ पे हम लेंगे एफ वाई मीन्स यील्ड स्ट्रेस, जिसको डिवाइड कर देंगे मटेरियल की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ वेल्ड। गामा एम डब्ल्यू इज वॉट? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मटेरियल, किसके केस में? वेल्ड के केस में। सो आपका परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू। यहाँ पे मैं आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू बताऊंगा। ओके गाइस, सो यहाँ से आपको क्रॉस सेक्शन एरिया एज वेल एज परमिसिबल स्ट्रेसेस दोनों का वैल्यू मिल चुका है। सो अगर आप इन वैल्यूज को पुट करो सो आप यहाँ से डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? योर डिजाइन स्ट्रेंथ इज बी इंटू 5/8 टी मिनिमम इंटू एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू। क्लियर? ये आपका डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया। दिस इज योर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट होने वाली हैं। ओके गाइस, दिस इज इसीलिए ये जो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर? अब देख लेते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, अगर यहाँ पे मटेरियल में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, सो गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 1.25। किस केस में? फॉर वर्कशॉप, ओके, वर्कशॉप के केस में हम गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू कितना कंसिडर करेंगे? 1.25। और गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू हम फील्ड के लिए कितना कंसिडर करेंगे? 1.5। कितना? 1.5 फॉर फील्ड। क्लियर गाइस? ये वैल्यू आपको रट के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली नहीं देता है, वो बोलता है वर्कशॉप की कंडीशन है या फिर फील्ड की कंडीशन है। सो आपको अपने आप से सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करनी है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। सो अगर बोले वर्कशॉप का केस देता है सो आप गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू को 1.25 कंसिडर करते हो, और अगर फील्ड कंडीशन बोलता है सो उस केस में आप गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू को 1.5 कंसिडर करते हो। क्लियर गाइस? समझ में आया सिंगल साइड वेल्डेड कनेक्शन के केस में कैसे हम डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे? ओके गाइस,
ओके, सो चलते हैं हम नेक्स्ट केस की तरफ। अवर नेक्स्ट केस इज फॉर डबल साइड वेल्डेड कनेक्शन। ओके गाइस, सो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम चलते हैं सेकेंड केस की तरफ, केस टू, डबल साइड वेल्डेड कनेक्शन। गाइज, अगर हम बात करें डबल साइड वेल्डेड कनेक्शन की, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनमें हम दोनों साइड से वेल्डिंग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो वेल्ड है उसका पूरी थिकनेस पे, थ्रू आउट थिकनेस पे कंप्लीट पेनेट्रेशन हो सके, मीन्स पूरी थिकनेस पे हमारा वेल्ड पहुँच सके या फिर फैला हो। सो ऐसी कंडीशन में हम डबल साइड वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, सो देखते हैं कैसे हम डबल साइड वेल्डेड कनेक्शन बनाते हैं। सो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बट जॉइंट की। सो यहाँ पे हमारे पास दो मेंबर्स होंगे जो कि सेम प्लेन पे, ओके, बोथ मेंबर्स हमारे सेम प्लेन पे हैं। ओके गाइस, लेट अस सपोज कि हमारे फर्स्ट मेंबर की थिकनेस T1 है, सेकंड मेंबर की थिकनेस T2, ओके गाइस, और हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे दोनों साइड से वेल्ड कर रखा है। सो जब टॉप से हमने वेल्ड कर रहे होंगे जब हम टॉप से वेल्ड कर रहे होंगे, सो वेल्डिंग कुछ इस तरीके से हो रही होगी। ओके, जब हम बॉटम से वेल्ड कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से वेल्डिंग हो रही होगी। ओके, इस तरीके से। सो डबल साइड वेल्ड कनेक्शन के केस में, ओके, डबल साइडेड या फिर डबल साइड वेल्डेड कनेक्शन के केस में जो वेल्ड है वो हमारी पूरी थिकनेस पे फैली हुई होती है या फिर यहाँ पे कंप्लीट पेनिट्रेशन मिलता है। ओके गाइस, दिस इज योर साइड व्यू। यहाँ पे हमें क्या करना है, लोड पी को एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे ट्रांसफर करना है। सो दिस इज योर साइड व्यू। अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप व्यू की, सो दिस इज योर टॉप व्यू, जिसको हमने AA बोल दिया। सो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम टॉप व्यू की अगर बात करें, सो हमारी फर्स्ट प्लेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ओके, हमारी सेकेंड प्लेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ओके, जिसमें हमें क्या करना है, पी लोड ट्रांसफर करना है। क्या करना है, पी लोड ट्रांसफर करना है। यहाँ पे हमने डबल साइड वेल्ड कर रखा है। क्या कर रखा है, डबल साइड वेल्ड कर रखा है। लेट अस सपोज ये जो हमारा मेंबर है, फर्स्ट मेंबर की जो विड्थ है बी है, सेकंड मेंबर की भी विड्थ बी है, मीन्स कह सकते हो यहाँ पे दोनों मेंबर्स का जो विड्थ है वो सेम है बट यहाँ पे थिकनेस दोनों मेंबर्स का डिफरेंट है। ओके गाइस, सो यहाँ पे क्या करना है, आपको डिज़ाइन करना है बट जॉइंट। सो जब भी हम बात करेंगे डिज़ाइन की, सो डिज़ाइन के टाइम पे आपको हमेशा डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होगा। सो डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, डिज़ाइन लोड, एक तरीके से जो आपका डिज़ाइन लोड होता है, दिस पी इज योर डिज़ाइन लोड, इसी डिज़ाइन लोड को हम बोल देते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ। ओके गाइस, सो डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लोड इज क्रॉस सेक्शन इंटू स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस इंटू एरिया। सो डिज़ाइन स्ट्रेस इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेसेस। ओके गाइस, यहाँ पे अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाए और परमिसिबल स्ट्रेसेस पता चल जाए, सो आप किसी भी मेंबर का डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया की, सो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस बी इंटू टी, यहाँ पे हम T1 कंसिडर करें या T2, कन्फ्यूजन है क्योंकि B तो सेम है बट यहाँ पे T1 कंसीडर करें या T2,
यहाँ तो कन्फ्यूजन है। सो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे टी मिनिमम कंसिडर करेंगे, मीन्स टी वन और टी टू में, टी टू में जो वैल्यू होगी मिनिमम उसको बोल देंगे हम क्या, टी मिनिमम। ओके गाइस, सो यहाँ पे क्या है, हमने डबल साइड से वेल्ड कर रखा है, सो कंप्लीट पेनेट्रेशन मिल रहा है, मीन्स पूरी थिकनेस पे हमारा जो वेल्ड है वो पेनेट्रेट है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली हो जाएगा बी इंटू टी मिनिमम, क्या हो जाएगा बी इंटू टी मिनिमम। ओके गाइस, अगर हम बात करें परमिसिबल स्ट्रेस की, सो पिछले केस जैसी ही यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस आने वाली है। सो परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू। गामा एम डब्ल्यू इज वॉट, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन मटेरियल इन केस ऑफ वेल्ड। ओके गाइस, सो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डिजाइन स्ट्रेंथ में पुट करें सो आपको फाइनल डिजाइन लोड या फिर डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया इज वॉट, बी इंटू टी मिनिमम इंटू परमिसिबल स्ट्रेस इज वॉट, एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डबल साइड वेल्डेड कनेक्शन इन केस ऑफ बट ज्वाइंट। क्लियर गाइस, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे हम बात करें बी, बी इज वॉट, विड्थ ऑफ प्लेट या फिर एल इफेक्टिव भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि जितनी लेंथ पे वेल्ड फैला हुआ है उस लेंथ को क्या बोलते हैं, एल इफेक्टिव। सो एल इफेक्टिव इक्वल्स टू बी, सो आप यहाँ पे बी भी बोल सकते हो या फिर आप एल इफेक्टिव भी लिख सकते हो। सो बी इज द विड्थ ऑफ प्लेट, टी मिनिमम दोनों प्लेट का जो थिकनेस होगा, उन दोनों प्लेट का, दोनों ही प्लेट में से जिस प्लेट का मिनिमम थिकनेस होगा उस प्लेट के थिकनेस को हम बोल देंगे क्या, टी मिनिमम। यहाँ पे लिख लो, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टी मिनिमम। ओके गाइस, अगर बात करें एफ वाई की, सो एफ वाई इज योर यील्ड स्ट्रेसेस, और अगर हम बात करें गामा एम डब्ल्यू की, सो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन मटेरियल इन केस ऑफ वेल्ड। सो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, गामा एम डब्ल्यू आपके वर्कशॉप के लिए कितना होता है दोस्तों, फॉर वर्कशॉप कितना होता है, 1.25, और फील्ड के केस में कितना होता है दोस्तों, फील्ड के केस में आपके गामा एम डब्ल्यू का वैल्यू होता है 1.5। क्लियर गाइस, सारी ही वैल्यू आपको पता चल जाएंगी, आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे आपको पता चल जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ। बात समझ में आई दोस्तों, ये था आपका डिजाइन ऑफ बट ज्वाइंट। आपके बट ज्वाइंट किस तरीके से, दो तरीके से डिजाइन होते हैं, फर्स्ट इज द सिंगल साइड पेनिट्रेशन, सेकंड इज द डबल साइड पेनिट्रेशन। और इन ये जो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला और पिछले केस में भी हमने स्टार मार्क किया था एक वो फॉर्मूला, इन दोनों ही फॉर्मूले से आपका बट ज्वाइंट का सारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, ओके, सो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं रिलेटेड टू बट ज्वाइंट, कैसे हम बट ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। ओके गाइस,